सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डाइस इंडिया एडमिशन 2022-2023 के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में जो है मैं आपके तीन मोस्ट आस्क क्वेश्चन के बारे में आंसर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कौन से ईयर का जो है कट ऑफ लिस्ट चेक करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर इस बार कट ऑफ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कौन से वेबसाइट पे विजिट करना है और उस वेबसाइट पर जाकर हमें कहाँ पर वो दिखेगा कि भाई डीएससी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, शेड्यूल आ चुका है। तो ऐसे जितने भी आपके ये तीन मोस्ट कमेंट में आज क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखो सो देट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सको और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो गाइस और एक इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो सो देट आपको डीएससी एडमिशन रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहे, जब शेड्यूल डिक्लेयर हो, आगे का जितना भी प्रोसेस होता है, कैप राउंड के ऑप्शन फॉर्म फिल करना हो, कट ऑफ लिस्ट, सीट मैट्रिक, सब कुछ अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो बेल आइकन दबाना मत भूलना सो देट आपको हर एक नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं कि भाई हमें कौन से ईयर का कट ऑफ हमें चेक करना है। आप कौन से ईयर का कट ऑफ आप देखोगे। तो देखो सिंपल सी थिंग है कि अगर आप लास्ट ईयर यानी कि 2021-2022 का देखोगे तो वो जो है वहाँ पर दोनों ही एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन बेस ही हुए थे, तो हम उस कट ऑफ को रेफ़र नहीं करने वाले हैं। तो हम किस कट ऑफ को रेफ़र करेंगे, हम उस कट ऑफ को रेफ़र करेंगे जहाँ पे एक ईयर एग्ज़ाम ऑनलाइन हुई थी, एक ईयर एग्ज़ाम ऑफलाइन हुई थी। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो हम जो कट ऑफ को रेफ़र कर सकते हैं वो है 2019-20 को हम रेफ़र कर सकते हैं, और एक सम एस्पेक्ट पे जो है हम 2020-21 को भी रेफ़र कर सकते हैं, अगर एकदम डिटेल डेप्थ में ही एनालिसिस करना हो तो हम इन दो ईयर्स के कट ऑफ को जो है रेफर कर सकते हैं। क्योंकि देखो कॉलेज का कट ऑफ बहुत मैटर करता है, तभी आपको एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। क्योंकि जब आप कैप राउंड वन का ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे तो हर कॉलेज में लिमिटेड सीट्स होंगे, और आपको वैसे भी पता है कि डीएससी एडमिशन में सिर्फ 10% सीट्स ही जो है अलोकेटेड हैं। तो आपको जो है ट्राई करना है कि मैक्स टू मैक्स आपका जो है कैप राउंड वन में आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। तो उसी का सॉल्यूशन जो है हम आपको खुद प्रोवाइड करते हैं कॉलेज रिकमेंड लिस्ट के थ्रू। तो ओवरऑल जो है हम आपको जो है कैप राउंड वन के लिए जो है कॉलेज रिकमेंड लिस्ट जो है ऑफर करते हैं आपके एग्रीगेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग। और ये जो लिस्ट होती है ये एग्रीगेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग होती है, कास्ट कैटेगरी और लोकेशन के अकॉर्डिंग। इसमें हम आपको जो है प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारा बेसिक प्लान ले सकते हो जो कि बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं, और प्लान लेते ही आपकी इंस्टेंटली सीट बुक होती है, इनवॉइस आपको मेल पर आ जाता है, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देती है सो देट आपको वहां पर सारी डीएससी एडमिशन अपडेट्स मिल रहे हों। तो यहाँ पर जो है दूसरा प्लान भी आता है प्रोफेशनल प्लान, तो आपको उसमें लाइव कंसल्टेंसी मिलती है, 1-to-1 लाइव कंसल्टेंसी। उसमें आपके सारे डाउट्स, उसमें आपको ये पता चलता है किस तरीके से स्मार्ट वे से आप कॉलेज के नाम डालोगी तो आपको जो है वो कॉलेज जल्दी मिल सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी फ़ीस में कैसे कंसेशन हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका अगर EBC है या EWS आप कैसे यूज़ कर सकते हो फीस रिडक्शन के लिए, तो आप हमारा प्रोफेशनल प्लान बाय कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको पर्सनली आप चाहते हो कि हम आपका एडमिशन फॉर्म फिल करें तो आप हमारा एडवांस प्लान ले सकते हो, उसमें हम आपका फॉर्म फिल करके देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं और कॉलेज रिकमेंड लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इनमें से कोई भी एक प्लान आपके नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो अब हम आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि भाई जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा या कम होगा। तो देखो सिंपल सी थिंग है कि जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा कम होगा। अब ये हर कॉलेज का कम होगा ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कुछ टॉप कॉलेजेस अगर मैं बताऊं, जैसे VJTI हो गया, दूसरा COET हो गया, VIT हो गया, तो ये जो टॉप कॉलेजेस हैं इनका जो कट ऑफ है इसके अंदर बहुत कम परसेंटेज में आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अदर जो नॉर्मल कॉलेजेस हो गए, जस्ट लाइक JSPM हो गया, मॉडर्न कॉलेज हो गया, यहाँ पर जो है आपको दिखेंगे कि हाँ यार इनमें जो है बहुत हद तक जो है कट ऑफ कम हुआ है। तो इट डिपेंड अपॉन टोटली कॉलेज, क्योंकि जितनी पॉपुलर कॉलेज होगी, क्योंकि बच्चे ऐसे तो हैं नहीं कि भाई इस बार जो है बच्चों ने बहुत ही लोअर मार्क्स लाए होंगे, बस लास्ट ईयर अगर मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो 95 प्लस ला रहे थे तो इस बार सिर्फ कुछ बच्चे होंगे जो 95 प्लस ला रहे होंगे, तो ये हम एक डिफरेंस देखने मिलेगा। तो कट ऑफ जो है हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई लास्ट ईयर 90 था तो इस बार 85 या 80 60 हो जाएगा, नहीं, थोड़े बहुत परसेंटेज से जो है कट ऑफ कम होगा।
अब थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तो वो ये है कि भाई कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे हमें विजिट करना है, वहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा। तो ये वेबसाइट का नाम है cetcell.mahacity.org। यहाँ पर आप जो अभी देख रहे हो ना, नीचे स्क्रोल करने पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा डायरेक्ट इंजीनियरिंग एडमिशन 2022-2023, और उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा डीएससी एडमिशन 2020-2023 का। तो वहाँ पर जो है आपको शेड्यूल, इन्फॉर्मेशन वाउचर्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जो है दिख रही होंगी। तो अभी जो है डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए आपको जो है यहाँ पे डायरेक्ट इंजीनियरिंग एडमिशन 2022-2023 नहीं दिख रहा है। तो कब तक स्टार्ट होगा, तो आप मानकर चल सकते हो कि 15 अगस्त के बाद जो है ये पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल गाइस आपके जो डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर हुए होंगे। सो ओवरऑल गाइस अगर आप चाहते हो कि आपको जो है कॉलेज रिकमेंडली चाहिए, तो आप हमारी सीट अभी बुक कर सकते हो, लिमिटेड सीट्स हैं, इसके बाद प्राइस भी वैसे हाई हो जाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अभी जाकर आप आपका प्लान बुक कर लो, अपनी सीट बुक कर लो। सो गाइस होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोक दो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दो। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।